तिरुपति पहुंचे भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, परिवार के सदस्यों के साथ तिरुमाला मंदिर में की पूजा अर्चना। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने आंध्र प्रदेश के तिरुमाला शहर में भगवान वेंकटेश्वर के प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। पूर्व उपराष्ट्रपति अपने परिवार के सदस्यों के साथ तिरुपति पहुंचे और मंदिर में भगवान की सेवा में भाग लिया। श्री रंगनायक मंडपम में प्रार्थना करने के बाद निर्वाचित उपराष्ट्रपति को मंदिर के प्रबंधन द्वारा पवित्र रेशमी कपड़े और पवित्र प्रसादम से सम्मानित किया गया। नायडू ने कहा कि भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करने से उन्हें संतुष्टि मिली और उन्होंने लोगों के कल्याण और देश के विकास के लिए प्रार्थना की। पीएम मोदी ने चंद्रगिर जैन मंदिर में की पूजा अर्चना। डोंगरगढ़ के संत विद्यासागर महाराज से की मुलाकात। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजनांदगांव जिले के दौरे पर रहे। डोंगरगढ़ पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंदगिरी में आचार्य विद्यासागर महाराज से मुलाकात की। पुरी पहुंचे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, श्री जगन्नाथ मंदिर में किए दर्शन पूजन। दो दिनों की यात्रा पर ओडिशा पहुंचे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्री जगन्नाथ मंदिर में प्रार्थना और पूजा की। रीवा पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, चिरहोला नाथ मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश में इन दिनों भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रीवा दौरे पर रहे। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रीवा के चिरहोला हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। वे रीवा में चिरहोला के मंदिर में विधि विधान से पूजा और आरती कर हनुमान जी के समक्ष नतमस्तक हुए। केदारनाथ पहुंचे राहुल गांधी, दो दिनों तक बाबा केदार की शरण में करेंगे प्रवास। राहुल गांधी अपने 3 दिवसीय दौरे के तहत उत्तराखंड पहुंच गए हैं। राहुल का यह दौरा निजी है और वह केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद श्रद्धालुओं और पुजारियों से मुलाकात करेंगे। राहुल दो दिनों का प्रवास भी यहीं करेंगे। बॉलीवुड अदाकार छायाजी शिंदे पहुंचे स्वर्ण मंदिर। शिंदे ने कहा कि यहां आकर मिली खुशी। बॉलीवुड अदाकार छायाजी शिंदे सचखंड श्री हरमंदिर साहिब पहुंचे और वाहेगुरु का शुक्राना कर अरदास की। इस मौके छायाजी शिंदे ने गुरुवाणी का श्रवण भी किया, अदाकार को सम्मानित भी किया गया। इस मौके छायाजी शिंदे ने कहा कि यहां आकर खुशी मिली है, वह यहां पहली बार आए हैं। यह अमृत सरोवर है जिसे अमृतसर कहते हैं। उन्होंने कहा कि वह मराठी हैं लेकिन पंजाब आकर बहुत अच्छा लगा। 11 नवंबर को अयोध्या में बनेगा रिकॉर्ड, 21 लाख दीयों से रोशन होगी राम नगरी। भगवान राम की नगरी में प्रतिष्ठित दीपोत्सव की तैयारी बड़ी भव्यता के साथ हो रही है क्योंकि इस बार दीपोत्सव बेहद खास है। सूत्रों के मुताबिक 21 लाख दीये राम नगरी के 51 घाटों पर जलाए जाएंगे। 11 नवंबर से ही राम की पैड़ी रामलला की प्रतिष्ठा तक रोजाना एक भव्य लाइट एंड साउंड शो किया जाएगा। पिछले साल अयोध्या में 17 लाख से ज्यादा दीये जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। इससे कहीं ज्यादा भव्यता और दिव्यता के साथ इस बार यह रिकॉर्ड टूटेगा। अयोध्या में इस साल का दीपोत्सव होगा बेहद खास। प्राण प्रतिष्ठा से पहले 5 लाख मंदिरों में विशेष पूजा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण तेजी से जारी है। वहीं मंदिर में रामलला के गर्भगृह में विराजमान होने से पहले एक बार फिर से अयोध्या नगरी जगमग रोशनी से नहाने को तैयार है। दरअसल यहां इस साल का दीपोत्सव बेहद खास होने वाला है। अयोध्या के दीपोत्सव में जला सकेंगे अपने नाम का दीपक। होली अयोध्या ऐप के जरिए घर बैठे जला सकेंगे दिए। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के गर्भगृह में विराजमान होने से पहले एक बार फिर से अयोध्या नगरी जगमग रोशनी से नहाने को तैयार है। इस बार ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया गया, जिसके तहत होली अयोध्या ऐप के जरिए लोग घर बैठे अयोध्या दीपोत्सव में दिए जला सकते हैं। इसके लिए दिए जलने के बाद उनके पते पर उस दिए को पैक करके भेजा जाएगा। 10 नवंबर को धनतेरस का त्यौहार। इस दिन माता लक्ष्मी की होती है पूजा। हिंदू धर्म में दीपावली सबसे बड़ा त्यौहार है। उत्साह, उमंग और उल्लास का यह त्यौहार 10 नवंबर से शुरू हो रहा है। धनतेरस से 5 दिन तक दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु, भगवान गणेश के साथ रिद्धि सिद्धि को प्रसन्न करने के लिए पूजन किया जाता है। धनतेरस पर माता लक्ष्मी के साथ धन के देवता कुबेर की भी पूजा की जाती है। 15 नवंबर को मनाया जाएगा भैया दूज का त्यौहार। ये दिवाली उत्सव का होता है अंतिम दिन। भाई दूज का त्यौहार इस साल 15 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा। दिवाली से 2 दिन बाद कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर भाई दूज मनाई जाती है। ये दिवाली उत्सव का अंतिम दिन होता है। भाई दूज में हर बहन रोली एवं अक्षत से अपने भाई का तिलक कर उसके उज्ज्वल भविष्य के लिए आशीष देती हैं।